तो दोस्तों फोन पे के जो ना अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है बैलेंस चेक करने के टाइम, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे अनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस करके। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक किया अपना बैलेंस चेक करने के लिए, एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अपना UPI पिन जो भी अपना दे देता हूँ, उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा जैसा कि इस प्रकार से, जैसे कि मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस करके ये वाला जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को यही चीज बताऊंगी कि ये वाला जो प्रॉब्लम है फोन पे के अंदर जब भी आप लोग बैलेंस चेक करते हैं अनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस करके क्यों आता है और इसे कैसे ठीक करना है। सो गाइस वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस जब मैं क्या करता हूँ यहाँ से पूरा बैक कर लेता हूँ पहले, ठीक ना, फिर मैं आपको एक बार फिर से चेक करके दिखाऊँ कि सच में ये फिर से यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ फोनपे को ओपन करता हूँ। ठीक, सो गाइस जैसे मैंने फोनपे को ओपन किया सेम वही प्रोसेस चेक बैलेंस पर मैं क्या करता हूँ क्लिक कर देता हूँ। गाइस जैसे चेक बैलेंस पर क्लिक किया तो आपका जो भी बैंक अकाउंट होता है वहाँ पर देना एंड आप लोग को अपना UPI पिन दे देना है। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना UPI पिन दे देता हूँ। सो गाइस जैसे मैंने UPI पिन दिया तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है फेचिंग बैलेंस करके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये वाला जो लोडिंग कंप्लीट होता है तो आप लोग देख पा रहे हैं सेम वही प्रॉब्लम देखने के लिए हमें मिल रहा है, आप लोग को भी मिल रहा होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो प्रॉब्लम है क्यों आता है, फिर आप लोग को बताऊंगा ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है। ठीक, तो गाइस मैंने यहाँ पर पूरा बैक कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ अपना गूगल पे को ओपन करता हूँ जिसमें कि मैंने अपना सेम बैंक अकाउंट को ऐड कर रखा हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अपना जो बैलेंस चेक करता हूँ, जैसे फोनपे में चेक होता है यहाँ से भी चेक कर सकते हो। गाइस देख पा रहे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जब भी मैंने चेक बैलेंस पर क्लिक किया योर बैंक नेटवर्क इज डाउन, इसका मतलब जो मेरा जो बैंक का नेटवर्क वो अभी डाउन चल रहा है। ठीक, और लिखा रहा है कांट चेक बैलेंस राइट नो, अभी बैलेंस को चेक नहीं कर पाएंगे, ट्राई अगेन लेटर। ठीक, तो आप लोग को कुछ समय के बाद बैलेंस चेक करना है फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ फोन पे के अंदर जा रहा हूँ तो सेम यही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इससे आपको पता चल गया कि आपका जो ये वाला प्रॉब्लम क्यों दिखाई देता है या फिर मेरे भी फोन पे के अंदर आए तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो गाइस ऐसा इसलिए होता है कि बैंक का नेटवर्क कभी कभी ना डाउन चल रहा होता है, इसलिए जो चेक बैलेंस करते हैं तो आप लोग को बैलेंस चेक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसे ठीक कैसे करना है इस प्रॉब्लम को, जिससे कि आप लोग जो अपना बैलेंस को चेक कर पाए। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम होता है इसको आप लोग ठीक कर ही नहीं सकते, ये बैंक की तरफ से ही होता है जिसकी वजह से आप लोग बैलेंस चेक नहीं कर पाते। इसका एक ही सोल्यूशन है भाई कि आप जो जब 3 से 4 घंटे के बाद अपना जो फोन पे को ओपन करके फिर से बैलेंस चेक करोगे तो वापस ये ठीक हो जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है एक आध घंटे में भी हो जाता है। तो गाइस मैंने क्या किया प्रूफ के लिए फिर से एक वीडियो बना लिया 3-4 घंटे के बाद शूट किया, तो देख पा रहे मैं फोन पे को ओपन किया वापस से एंड गाइस मैं चेक बैलेंस पर क्लिक किया। उसके बाद मैंने जो भी बैंक है यहाँ पर एड बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद मैं अपना क्या किया UPI पिन जो भी होता है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से लोडिंग दिखाई देता है जैसे कि देख पा रहे फेचिंग बैलेंस का, और उसके बाद आप लोग देख पा रहे यहाँ पर मेरा बैलेंस शो होने लग गया, अवेलेबल बैलेंस करके लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट भी शो कर रहा है। ठीक, तो गाइस ये प्रॉब्लम जो ऑटोमेटिक खुद पे खुद 3-4 घंटे या फिर 1 घंटे में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को पता चलेगा कि फोन पे के अंदर ये वाला प्रॉब्लम क्यों आता है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।